नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोटोरोला एज 20 फ्यूजन वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी M32 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो एज 20 फ्यूजन में 6.54 इंच जबकि गैलेक्सी M32 में 6.27 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि एज 20 फ्यूजन से कम है। विड्थ की बात करें तो एज 20 फ्यूजन में 2.99 इंच जबकि गैलेक्सी M32 में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि एज 20 फ्यूजन से कम है। बात करें थिकनेस की तो एज 20 फ्यूजन में 0.32 इंच जबकि गैलेक्सी M32 में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि एज 20 फ्यूजन से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो एज 20 फ्यूजन में 185 ग्राम्स जबकि गैलेक्सी M32 में 196 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि एज 20 फ्यूजन से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो एज 20 फ्यूजन में OLED जबकि गैलेक्सी M32 में सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो एज 20 फ्यूजन में 6.7 इंचेस जबकि गैलेक्सी M32 में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एज 20 फ्यूजन में 85.91% जबकि गैलेक्सी M32 में 83.89% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो एज 20 फ्यूजन में 393 पिक्सल प्रति इंच जबकि गैलेक्सी M32 में 411 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो एज 20 फ्यूजन में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और गैलेक्सी M32 की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो एज 20 फ्यूजन में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और गैलेक्सी M32 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो एज 20 फ्यूजन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और गैलेक्सी M32 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो एज 20 फ्यूजन में माली G57MC3 जबकि गैलेक्सी M32 में माली G52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो एज 20 फ्यूजन में MediaTek Dimensity 800UMT6853V और गैलेक्सी M32 में MediaTek Helio G80 मिलता है। बात करें RAM की तो एज 20 फ्यूजन में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है जबकि गैलेक्सी M32 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो एज 20 फ्यूजन में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि गैलेक्सी M32 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी एज 20 फ्यूजन में 5000mAh जबकि गैलेक्सी M32 में 6000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो एज 20 फ्यूजन में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रेम 128 GB स्टोरेज के साथ 21,499 रुपीस, 8 GB रेम 128 GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें गैलेक्सी M32 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रेम 64 GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस, 6 GB रेम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो मोटोरोला एज 20 फ्यूजन में 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें सैमसंग गैलेक्सी M32 की तो उसमें 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में गैलेक्सी M32 आगे है, मेन कैमरा में एज 20 फ्यूजन आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में एज 20 फ्यूजन आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G71 5G है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी M33 5G है, तीसरा रियलमी 9 प्रो प्लस 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी रेडमी नोट 11T 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।